आप सभी का मेरे YouTube चैनल NK Vision में। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के जागेश्वर धाम मंदिर में। तो आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए हम मंदिर के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के जागेश्वर में स्थित है। अल्मोड़ा से जागेश्वर तक की दूरी 36 किलोमीटर है और यह मंदिर देवदार के घने जंगलों से घिरा हुआ है। अब पूरा जो ये मंदिर है वो पूरे देवदारों से ही घिरा हुआ है। अभी जब हम ये चल रहे हैं तो यहाँ पे दंतेश्वर मंदिर है। सभी को लगता है कि जागेश्वर मंदिर आ चुका है, लेकिन ये मेन जागेश्वर नहीं है, ये दंतेश्वर मंदिर है। दंतेश्वर मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है। दंतेश्वर मंदिर से 1.5 किलोमीटर आगे महामृत्युंजय मंदिर स्थापित है। यहाँ की प्राकृतिक दृश्य अतुल्य अविश्वसनीय है। जागेश्वर धाम को उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं जागेश्वर बाजार में और ये है यहाँ का प्रवेश द्वार। जागेश्वर धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। कहा जाता है कि ये मंदिर प्रथम मंदिर है जहाँ लिंग के रूप में शिव पूजन की परंपरा सर्वप्रथम आरंभ हुई। यही वह जगह है जहाँ भगवान शिव ने तप किया, इसीलिए इसे भगवान शिव की तपस्थली भी कहते हैं। जागेश्वर मंदिर में लगभग 250 छोटे बड़े मंदिर हैं और मंदिर परिसर में 125 मंदिरों का समूह है। मंदिर का निर्माण पत्थरों की बड़ी बड़ी शिलाओं से किया गया है जो कि कत्यूरी राजाओं के द्वारा हुआ था। यह मंदिर देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ है। यहाँ के मुख्य मंदिर हैं दंतेश्वर मंदिर, चंडी मंदिर, कुबेर, मृत्युंजय, नवदुर्गा मंदिर, नवाग्रह, पिरामिड और पूर्व मंदिर शामिल हैं। जागेश्वर मंदिर का निर्माण 7वीं सदी ईस्वी से 18वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ था। यह समुद्र तल से लगभग 6200 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। जागेश्वर मंदिर को योगेश्वर नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव एवं सप्त ऋषियों ने यहाँ तपस्या की। कहा जाता है कि प्राचीन समय में जागेश्वर मंदिर में मांगी गई मन्नतें उसी रूप में स्वीकार हो जाती थी जिसका भारी दुरुपयोग होने लगा। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य यहाँ आए और उन्होंने इस दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था की। अब यहाँ सिर्फ यज्ञ एवं अनुष्ठान से मंगलकारी मनोकामनाएं ही पूरी हो सकती हैं। जागेश्वर मंदिर परिसर के अधिकांश मंदिर उत्तर भारतीय नगर शैली में निर्मित हैं। बड़े मंदिरों में शिखर के ऊपर लकड़ी की छत भी अलग से लगाई जाती है। स्थानीय भाषा में इसे बिजौरा कहा जाता है। जागेश्वर मंदिर पर नेपाली अथवा तिब्बती प्रभाव प्रतीत होता है। जागेश्वर मंदिर में भगवान महाशिव से संबंधित दो मुख्य उत्सव मनाए जाते हैं। एक है शिवरात्रि और दूसरा है श्रवण मास जो जुलाई से अगस्त के बीच पड़ता है। इस मंदिर के आसपास से एक छोटी नदी बहती है जिसका नाम जटागंगा अर्थात शिव की जटाओं से निकली गंगा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं यह मंदिर कत्यूरी राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। इतिहासकारों का मानना है कि कत्यूरी राजवंश एक ही रात में मंदिरों का निर्माण कर देते थे ताकि उनको कोई देख ना सके और उनकी इस निर्माण कला को कोई सीख ना ले। जागेश्वर मंदिर में भगवान शिव यहाँ लिंग रूपी न होते हुए शिला के रूप में हैं। भगवान शिव यहाँ के जंगल में ध्यान मग्न समाधिस्थ थे। उनके रूप व नीले अंग को देख इन जंगलों में रहने वाले ऋषियों की पत्नियां उन पर मोहित हो गई। इस पर क्रोधित होकर ऋषियों ने भगवान शिव को शिला में परिवर्तित कर दिया, इसलिए शिव यहाँ शिला रूप में स्थापित हैं। यहाँ की शिलाओं पर निर्मित भित्ति चित्र जैसे नृत्य करते गणेश, इंद्र या विष्णु के रक्षक देव अष्टवसु, खड़ी मुद्रा में सूर्य, विभिन्न मुद्राओं में उमा महेश और विष्णु स्थापित हैं।
जागेश्वर धाम पहुंचने हेतु सबसे नजदीक बड़ा शहर 35 किलोमीटर दूर स्थित अल्मोड़ा है। हल्द्वानी काठगोदाम से जागेश्वर 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हवाई व रेल सुविधाओं के अभाव में सड़क मार्ग द्वारा ही यहां पहुंचा जा सकता है। मंदिर में विभिन्न अनुष्ठान व धार्मिक कृत्यों के निर्धारित शुल्क मंदिर में बाहर सूचना पट्टिका पर लिखे हैं। जागेश्वर से 24 किलोमीटर दूर वृद्ध जागेश्वर के भी आप लोग दर्शन कर सकते हैं, परंतु वहां जाने के लिए सड़क सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहां आप लोगों को पैदल ही यात्रा करनी पड़ेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स करके जरूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आपको मेरे वीडियो के अपडेट्स मिल जाएं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।